नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि श्राद्ध में कौन कौन सी सब्जी बनानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। श्राद्ध पक्ष के रूप में बहुत ही खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और श्राद्ध में काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक हमें पितृ पक्ष में आलू, भिंडी, कद्दू, मूली और केला जैसी सब्जियां खानी चाहिए। इन सब्जियों का सेवन करने से पितृ खुश होते हैं। वही पितृ पक्ष में इन सब्जियों को खाने से बचना चाहिए, जैसे गेहूं है, सरसों, जौ, धान, कंगनी से बनी पूड़ी और लहसुन प्याज, मसूर, पेठा, लौकी, चना, छोला, काला नमक, बैंगन और गाजर, करेला, चुकंदर, सरसों का साग, अरबी और शलजम, जमीन के नीचे उगने वाली चीज़ें। अब पितृपक्ष में इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे अंडा, मछली, मीट, मांस जो भी है, और शराब, सिगरेट, तंबाकू, चने की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, सत्तू, राई, काला नमक, जीरा और सरसों के बीज, इन सब चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। और सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में गाजर है, करेला है, चुकंदर, सरसों का साग, अरबी, बैंगन, पेठा, मूली और शलजम आदि सब्जियों से बनी सब्जियों का सेवन करने से पितृपक्ष की पूजा खंडित हो सकती है। इसके अलावा इस दौरान उन सब्जियों को खाने की भी मनाही होती है जो जमीन के नीचे उगती है। श्राद्ध पक्ष में काफ़ी चीज़ें हैं जिनका हमें मतलब काफ़ी विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा ये होता है क्योंकि श्राद्ध में ऐसी सब्जी बनानी चाहिए जिसका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी, जिसका भी श्राद्ध कर रहे हैं, उनकी जो भी मनपसंद चीज़ होती है, जो भी फेवरेट चीज़ होती है, वो बनानी चाहिए। तो इस दौरान सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है, और श्राद्ध के दौरान भोजन में प्याज लहसुन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भोजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो कि खीर होती है। कहा जाता है कि श्राद्ध में पूरी और खीर पितरों के लिए खास तौर पर बनाई जाती हैं। अब यह है कि काफ़ी लोग श्राद्ध के अंदर मतलब बैंगन वगैरह, लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह ये सब बनाते हैं, तो ये सब बिल्कुल भी बनाना वर्जित माना गया है। बैंगन तो श्राद्ध में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, और पितृपक्ष के दौरान तामसिक जो भी सब्जियां आती हैं उनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब दाल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि श्राद्ध के दौरान पूर्वजों के पसंदीदा भोजन को सम्मान के तौर पर तैयार किया जाता है, लेकिन इस दौरान दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक उड़द की दाल और एक चावल। ये मतलब दाल बनानी चाहिए और मतलब खास तौर पर। अब हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु के कितने वर्ष बाद में श्राद्ध करना चाहिए। अब आपके किसी भी परिजन की मृत्यु के एक साल बाद भरनी श्राद्ध करना जरूरी होता है। अविवाहित मरने वाले लोगों का श्राद्ध पंचमी की तिथि को होता है, उसमें भरनी नक्षत्र हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ऐसी ही नई जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर पे।